السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے بچو آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورة بقرة آیت نمبر 180 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم اذا حزر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين देखिए सबसे पहले ये वाला देखिए ये हमने जब रूल आपको पढ़ाए थे उस वक्त भी बता दिया था कि जो नून होता है नून कुत्तनी ये जब पीछे से मिला रहे होते हैं तब इस नून को पढ़ते हैं अगर पीछे से नहीं मिला रहे होते हैं तो इस नून को फिर नहीं पढ़ते हैं कुतिबा पिछली क्लास में बताया था कताबा का पैसिव है ये कुतिबा लिखा गया फर्ज किया गया जरूरी करार दिया गया आला माने पर कुमने तुम लोग तुम लोगों पर फर्ज अरार दिया गया इजा जब हजारा हजारा या जुरू माने होता है आना हाजिर होना हाजिर सुना होगा ना अपने हाजिर प्रेजेंट को बोलते हैं उर्दू में भी बोलते हैं आने वाला जब आए आहादा माने कोई एक कुम माने तुम लोग तुम लोगों में से कोई एक के पास किसी के पास क्या आए अलमा तो मौत इन अगर तरा का उसने छोड़ा तरा का माने छोड़ना खैरा खैर इसमें खैर का मतलब माल भी आता है अच्छाई तो होता ही है हर अच्छे काम को खैर बोलते हैं लेकिन माल को भी बोलते हैं खैर अगर उसने माल छोड़ा दौलत छोड़ी तो क्या फर्ज किया गया कुत्तीबा का ये है सब्जेक्ट यहाँ पर अलवासीयतों वसीयत करना लील वाली दायरी ली माने लिए वालिद माने बाप और वालिद का जब तस्निया बना तो वाली हो गया यानून के साथ तस्निया बनता है डुवल बनता है अलिफ नून और यानून के साथ तो यहाँ पर यानून के साथ है हालतें नसबी और जरूरी में यानून के साथ होता है व वालेन तो वाले जब बोलते हैं तो पेरेंट्स मतलब होता है माँ बाप दोनों माँ बाप के लिए वल वलअरबीना और रिश्तेदारों के लिए बिल बिलमूफ मरूफ के मुताबिक अच्छाई के मुताबिक हक ये हक है आला माने पर अलमुत मुत्तकी डर रखने वाले तकवा करने वाले तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वो मारूफ के मुताबिक वसीयत कर दे अपने माँ बाप के लिए और अपने कराबतदारों के लिए रिश्तेदारों के लिए ये जरूरी है खुदा से डरने वालों के लिए सर जी सर अगर हम कहेंगे तो खाली मा, मा, उसका मतलब वालिद खाली बोलेंगे वालिद तो वालिद के लिए और वाली दया डाल के बाद या अगर बोलेंगे तो मेरे वालिद हो जाएगा मेरे वालिद सर मारूफ का क्या है जी मारूफ माने भलाई और उर्फ भी कहते हैं उर्फ उर्फ जानते हैं जैसे लोगों में जिसको लोग पहचानते हो जानते हो सही बात सही तरीके से अच्छे तरीके से वालदेन के से. लिए वसीयत करें फमम बदलहू बादमा समू فإنما إسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فتوأس من منجو بدل बाद से बना है बदले से बदलना आप जानते हैं बदलाहू उसको बदल दे वसीयत को यानी के बाद महू उसको सुनने के बाद बादा माने बाद माँ माने जो समू उसने सुना जो उसने सुना उसके सुनने के बाद वो उसको अगर बदल दे फ माने तो इन नमा बेशक इसम इस माने गुना इस माने गुना हमजा शामी इस्म गुना इसमुहु उसका गुना आला उस पर है अल्लाजीना जो दिलु नहु उसको बदल रहा है या उसको बदलेगा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समी उन बहुत सुनने वाला तलीम उन बहुत जानने वाला है अल्लाह ताला सुन रहा है कि उसने क्या वसीयत की और ये भी जानता है कि तुम क्या बदल रहे हो फिर जो कोई वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसका गुनाह उसी पर होगा जिसने उसको बदला यकीनन अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है तो फा माने तो मन माने जो तो या बस बस जो खाफा खाफा या खाफो माने होता है डरना बस जो डरा मिमूसिन वसीयत करने वाले से जनफन जनफ कहते हैं राह से हट जाना हक बात को छोड़ देना गलती से गलती से हक बात से हट जाना जीम नून पाइस रूट है अव इस मन औ मन या इस मने गुना अगर कोई वसीयत करने वाले से डरे जानिबदारी राह से हटना हक से हटना या गुनाह के सिलसिले में फा तो असलाह इसलाह कर दी उसने बे नहूम उनके दरमियान फला फा माने तो ला माने नहीं इस माने गुना, फला इसमा तो कोई गुनाह नहीं आल ही उस पर इन बेशक अल्लाह गफूर माफ करने वाला रहीम रहम करने वाला है मतलब, बैन माने दरमियान हम माने वो लोग उन लोगों के दरमियान अगर वसीयत करने वाले और जिनके बारे में वसीयत की गई उनके बारे उनके बीच में अगर वो सही कर दे अब देखिए तर्जुमा अलबत् जिसको वसीयत करने वाले की बाबत के बारे में ये अंदेशा हो कि उसने जानिबदारी या हकतलफी की है जानिबदारी यानी एक की साइड ली है वसीयत करने में किसी एक की साइड ली जानबदारी इसको कहते हैं हक तलफी किसी का हक मार लिया यानी किसी को कम दिया और वो आपस में सुलह करा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं अल्लाह मुआफ करने वाला रहम करने वाला है या आमनू كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اديل كاميرا اون कीजिए يا أيها आवाज देने के लिए الذين जो आ मनु ईमान लाए ऐ ईमान वालो कुतिबा लिखा गया फर्ज किया गया अलैकुम कुम तुम पर अस्याम रोजे तुम पर रोजे फर्ज किए गए कमा जैसा कि कुतिबा लिखे गया रोजा आलना उन लोगों पर मिन कबलिकुम कुम जो तुमसे पहले थे मिन माने से कबल माने पहला और कुम तुम लोग तुम लोगों के पहले लोगों में से जो थे उन पर लिखा गया लाअुम ताकि तुम लोग तत्तकून बच जाओ ए ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे अगलों पर फर्ज किया गया था ताकि तुम परहेजगार बनो अगले मतलब है वक्त में तुमसे अगले जो थे यानी पहले लोग أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر अयाम यौम की ये जमा है अयाम दिन मादूद जिनको गिना गया हो अद्दा से आइन दाल दाल रूट है इसका अद्दा माने गिनना शुमार करना उसी से गिना हुआ मादूद मफरूल के वजन पर आता है मादूद जिसको किया गया हो जिसको गिना गया हो मादूद गिनती के चंदिन गिनती के चंदी पा माने तो मन माने जो काना माने हुआ मिनकुम तुम में से मरीजन बीमार मरीज बीमार मीम रॉ जॉद से बनता है मरीजा एम रो बीमार होना और उससे नाउन है मरीज बीमार जो तुम में से बीमार हुआ औ आला सफर इन सफर पर हुआ फा तो फातोद्दत व शुमार कर ले मिन माने से अय्याम माने दिन उखर माने दूसरे वो दूसरे दिनों से शुमार कर ले गिनती के चंद दिन, फिर जो कोई तुम में बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर लेना وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ वाह माने और आला माने पर अल्ला वो लोग जो और उन लोगों पर जो युतीकु ना हो उसकी ताकत रखते हैं रोज़े की अताका माने होता है युति को का वाओका से बनता है ताकत किसी काम को करना और इसका मतलब किसी काम को करने की सलाहियत होना कर पाना और एक मतलब इसका ये भी बताते हैं कि बमुशक्कत कर तो लेंगे उसको काम को लेकिन थोड़ी परेशानी होगी उस काम को कर तो लेंगे लेकिन थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी मुश्किल होगी करने में यह भी इसका मतलब है तो वो उन लोगों पर जो उसको बमुश्किल रख पाते हैं रोजे को बमुश्किल मुश्किल के साथ उसकी ताकत रखते हैं यानी रख तो लेंगे रोजा लेकिन उनको परेशानी होगी उन पर क्या है फिद फिदिया है बदला है तमु खाना मिसकीन इन एक मिसकीन, एक मिसकीन का एक गरीब का खाना उस पर है फा माने जो मन माने फा माने तो सॉरी, मन माने जो तो जो तत्व इन तत्व ये पीछे भी आया था जब सफा और मरवा के बारे में बताया जा रहा था हज के बारे में तो वहां भी, भी था तत्व माने होता है अपनी खुशी से कुछ ज्यादा कर लेना काम अपनी मर्जी से ज्यादा करना पमन तत्व जो तत्वान खुशी में खैरन ज्यादा करेगा भलाई करेगा फ हुआ तो वो खैरुल्ला उसके लिए बेहतर है लहू उसके लिए वह अन सामा सुमु रोजा रखना सामा सुमु रोजा रखना बाउ मीम का मतलब होता है रुक जाना क्या मतलब होता है इसका रुक जाना किसी काम से रुक जाना तो शरीयत में रोजा कहते हैं आदमी अपने आप को भूख खाने से भूख के हालत में खाने से रोके रखे और, और दूसरी चीजें हैं उनसे रोके रखे इसको रोजा कहते हैं और तुम रोजा रखो खैरकुम ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है खैरुल बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कुंतुम तुम हो तालमून जानने वाले अगर तुम जानो तो तुम्हारे लिए रोजा रखना ज्यादा बेहतर है मुश्किल तो होगी लेकिन उसके साथ भी आप अगर रखो मुश्किल के साथ भी तो ये ज्यादा बेहतर है और जो इसको बामशक्त बर्दाश्त कर सकें तो एक रोजे का बदला एक मिसकीन का खाना है जो कोई मजीद नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है तत्व खैर का मामला अगर कोई करेगा एक मिसकीन से ज्यादा का खाना अगर वो देगा तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है जो कोई मजीद नेकी करेगा तो उसके लिए बेहतर है और तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم अभी बताया कि कब रोजे रखने हैं रोजे तो फर्ज किए गए लेकिन कब रखने शाहरु रमज़ान शहर माने महीना रमजान माने रमजान रमजान का महीना वक्त है रोजे रखने का अल्लादी वो उन जिला नाजिल किया गया फी ही जिसमें अल क़ुरआन हुदन जो हिदायत है लिन नासी लोगों के लिए रहनुमाई है लोगों के लिए राह दिखाता है लोगों के लिए वो और वाज निशानियाँ हैं मिनल हदा हिदायत से वाल और तफरीक करने वाला हक और बातिल के दरमियान तफरीक करने वाला ये बताने वाला कि ये सही है ये गलत है फ़र्क करने वाला सही और गलत के बीच में फ़र्क करने वाला फुरुकान। फा रा काफ से बनता है फमन तो जो शहीदा शहीदा माने होता है जानना और आना हाजिर होना गवाही देना भी होता है तो यहाँ पर पाने के माने में आना फमन शहीदा तो जो पाए मिन कुम तुम में से अशहरा इस महीने को अली लाम लगा दिया है तो खास कर दिया इस महीने को फल सुम तो वो उसमें रोजा रखे सामा या सुमू से ये अम्र है, सुम तो वो उसमें रोजा रखे ठीक है, अम्र का हमने आपको बताया था अम्र हाजिर और अम्र 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 तो ये अम्र है, अम्र हाजिर, वो सेकंड से बनता है और अम्र गायब थर्ड पर्सन से बनता है लाम उसके शुरू में लगा देते हैं तो यहां पर लाम लगा दिया गया है, है पा के साथ जुड़कर लाम पर सुकून आ गया फल तो वो उसमें रोजा रखे रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया हिदायत है लोगों के लिए और खुली निशानियाँ रास्ते की और हक और बातिल के दरम्यान फैसला करने वाला बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वो इसके रोजे रखे فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن أرجو كان مريضا بمار هو أو على سفر يا سفر بر هو फाइद तो शुमार करे मिन अयामिन उखर दूसरे दिनों में से ये पीछे भी आ चुके आये मिन माने से अय्याम माने दिन उखर माने दूसरे बाद वाले आखिरी यूरीदुल्लाह अराधा यूरद माने होता है चाहना यु अल्लाह चाहता है बिकुम तुम्हारे साथ अलुसरा आसानी यासिन रा आसानी वाला यू रीदू वो नहीं चाहता बिकुम तुम्हारे साथ मुश्किल मुश्किल को को सख्ती सख्ती और जो बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है वो तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता वली तो देखेरा ली माने लिए तुकमिलु अकमा युक्मिलू काफ मीम लाम से बनता है कामिल आपने सुना होगा कामिल पूरे को बोलते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कामिल पूरा अकमाला युक्मु पूरा करना मुकम्मल भी आता है इसी से मुकम्मल तो तुक मिलू ताकि तुम पूरा करो अलेता गिनती को ताकि तुम गिनती को पूरा करो वली और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो कब्बरा बा और रा से बना है बड़ा बनाना कब्बरा बिरु बड़ाई करना बड़ा बनाना और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई करो आला माने पर माँ माने जो हदाकुम हिदायत दी उसने तुमको आला मा हदाया, आद, आला मा हदाकुम और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई करो उस पर कि उसने तुमको हिदायत दी राह दिखाई वाला और ताकि तुम तशकुरून उसका शुक्र अदा करो शीन काफरा से शुक्रिया उर्दू में ही बोलते हैं ना आपका शुक्रिया शुक्र अदा करना शीन का अफरा से बनता है तशकुरून ताकि तुम शुक्र अदा करो और इसलिए कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह की बड़ाई करो इस पर के उसने तुमको राह बताई और ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो चलिए ये आज का सबक है आपका अच्छे से इसको याद कीजिएगा और वर्ड्स मीनिंग लिखिएगा इसकी असलाक वरहमत लल्ला वर्क